प्यारे भाइयों और बहनों, तो आप लोग ने थंबनेल देख चुके हैं। तो थंबनेल में देख के आप लोगों को क्या पता चल रहा है? तो अभी जो इस ट्रेडिंग ऐप में आप लोग पैसा लगाए हो ना, तो उस पैसे को निकालने के लिए फिर पैसा डालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? आज हो गया शुक्रवार यानी फ्राइडे, कल सैटरडे को आप लोग उठाओगे नहीं। तो 2 दिन टाइम दिया हुआ है आप लोगों को, मतलब संडे तक, रविवार तक अगर रिचार्ज नहीं करते हो तो आपका जो ये अकाउंट है ना, ये ट्रेडिंग ऐप का बारे में बता रहा हूँ, इसमें जो अकाउंट है आपका फ्रीज हो जाएगा, मतलब आप पैसा नहीं उठा सकोगे। तो किसी किसी का 1 लाख रुपए, किसी किसी का 5 लाख रुपए, किसी का 50 हज़ार, किसी का 12 हज़ार यहाँ तक जमा है। तभी इस पैसे को उठाने के लिए फिर आप पैसा डालोगे, ये पैसा आएगा कि नहीं कोई भी ऑफलाइन अभी बताएगा नहीं आप लोगों को। इसलिए आप लोग खुद समझदार बनो, और समझदार हो तो आप लोग दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि इस पैसा को आप लगाओगे कोई गारंटी नहीं है ये पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर एक बंदा कैसा निकल के आ जाए और मुझे बता दे, मैं गारंटी लेता हूँ पैसा देने के लिए, तो मैं बोलता हूँ इस वीडियो को देख के लाखों लोग साथों साथ रिचार्ज कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे वगैरह वगैरह, जो केवाईसी वगैरह इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे जैसा से आप लोग बचे रहना, ऐसे जैसा में ना गिरो, और खुद का इस्तेमाल करो, मेहनत करो, मेहनत रोजगारी करो, उसी से जो पैसा मिलेगा वो आपका काम में आएगा। कुछ दिन पहले से डबल ट्रेडिंग आ रहा है, क्योंकि बीच में एक बार लॉस हुआ था। तो लॉस होने के बाद जब मतलब ग्रुप में ऑफलाइन लोग सिग्नल दिया था, उस सिग्नल को फॉलो करने का साथ साथ बहुत आदमी का लॉस हो गया था। तो लॉस होने के बाद फिर कंपनी ने डबल ट्रेडिंग का मौका दिया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यू दे रहा है, तभी शक हुआ। लेकिन ऑफलाइन लोग क्या बताए, पता है ये बोला, तुम लोग इतना पैनिक हो गए हो, हाँ 1 दिन लॉस हो गया, इतना कुछ कर लिया, इतना हल्ला चिल्ला कर दिया। तो ऑफलाइन लोग क्या किया, जितना भी ग्रुप में था ना, एडमिन लोग रह के बाकी सबको ब्लॉक कर दिया। मतलब एडमिन ही मैसेज कर सकता है, एडमिन ही कुछ भेज सकता है, एडमिन ही कुछ बोल सकता है, बाकी जितने भी मेंबर्स है वहाँ पे कोई वहाँ पे सवाल नहीं कर सकता, कोई भी भेज नहीं सकता, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता वहाँ पे। तो अभी उन ऑफलाइन लोगों को, वो जो लीडर बन के बैठा हुआ है, उन लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, अभी क्या हुआ, अभी कैसे इसको सॉल्व करोगे? हाँ, किसी का 12 हज़ार, किसी का 15 हज़ार, किसी का 1 लाख रुपए फंसा हुआ है, उसको निकाल के दिखाओ। अगर आप लोग सच में लीडर हो तो उसको निकाल के दिखाओ, अगर पिछवाड़े में दम है तो करके दिखाओ, करके दिखाओ आप लोग, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। तो लीडर ऐसे मत बनो, लीडर बनो अपने तजुर्बा से, अपने काबिलियत से लीडर बनो। ऐसा ही नहीं है तुम पहले आ गया, ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में हजारों लोगों को तेल वोल मार के ज्वाइन करा दिया, उसके बाद तुम लीडर बन के बैठे हो, ऐसा लीडर नहीं होता। लीडर उसको कहते हैं जो लीड कर सकता है, समझ गए? तो ऑफलाइन जब ग्रुप में कुछ इंडिकेशन देता है तो डाउनलाइन जितना भी है ना डाउन में, उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो ऑफलाइन पहले सबसे पहले बता दीजिए आप लोगों का अपना अपना पैसा विड्रॉ कर लो। हाँ, जो हम लोग बोलते हैं नापताली, तो नापताली करके कोई पैसा नहीं उठाया तो वो पैसा अभी फंसा हुआ है। अगर उठा लेते तो कम से कम उसका जो डिपॉजिट मनी था वो तो लौट के आता ना। और एक भैया इधर बैठा है, भैया आपका कितना पैसा लगा हुआ है? 5,000। मतलब 5,000 कैसे किया था, 6,000 जो जिससे मेरा अकाउंट खुला था वो अपना उतना 1,000 को जो उसको मिला था उसने रिटर्न कर दिया था, तो वही 6,000, मतलब 5,000 पकड़ लीजिए मेरा। अभी आप पूंजी लगा कुछ भी इस ट्रेडिंग अकाउंट से, नाम नहीं बताना चाहता, इस ट्रेडिंग अकाउंट से आपको कुछ मुनाफा फायदा हुआ है? कुछ तो नहीं हुआ है, किंतु एक चीज हमको मिला है, लाइफ लेसन मिला है। लाइफ लेसन, हाँ ये सही बात बोला है, एक अच्छा सीख मिला है इनको। तो अगर वीडियो देख रहे हो आप लोग भी, इस ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा फंसा हुआ है आप लोगों का, एक सीख ले लो, ठीक है। और जो जो ऑफलाइन है, जो जो ऑफलाइन है, अदरक का व्यापारी होता है वो जहाज में उड़ रहा था, उन लोगों का मैं बताना चाहता हूँ, लीडर उसको कहते हैं जो लीड ले सकता है। आप लोग ऐसे हवा में चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोग का पिछवाड़ा जल गया होगा, तो पिछवाड़ा अगर जल रहा है तो बर्नल का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ लीडर उसी को कहता है जो अपना नीचे का जो बंदा लोग काम कर रहे हैं ना, उसको समझदारी से समझाओ, उसको ऐसा मोटिवेट करो ताकि वो उभर के आ जाए, या तो उसका दिमाग में कुछ चल रहा है उससे निकल के आ जाए। ऐसा लंबा लंबा लेक्चर आप लोग मत ही मारो, क्योंकि ऐसा करने से आप लोग पब्लिक धुलाई हो सकता है, ठीक है, इससे बचो आप लोग। और इस वीडियो से सभी को सीख जरूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वो छोटा मोटा ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाया है। ग्रुप में लीडर लोगों का किस तरह का लेक्चर था ये भी आप लोग सुन ही लो।
मैं सुबह से आप लोग को देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, आप लोग का मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, काफी लोग मुझे फोन कर रहा है। आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, YBY में जितना दिन से आप लोग काम कर रहे हो, मतलब जीना हैरान कर देते हो। आपका बैंक अकाउंट में से पैसा हमने जबरदस्ती उठा के लेके नहीं आया हूँ। आपको प्लान दिखाया गया है, आप प्लान देख के हम लोग का जो इनकम देखे हो उसके बाद आप लोग खुद आए हो यहाँ पे। वो दो थ्रेड क्यों दिया है, वो आप लोग अपना कॉमन सेंस थोड़ा भी यूज नहीं कर रहे हो। आप लोग को ऐसा लग रहा है जैसे कि YBY भाग रहा है। आज तक YBY ने किसी का साथ थोड़ा सा भी गद्दारी कुछ नहीं किया है। एक बार पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो प्रॉब्लम आया उसके लिए आप लोग इतना बड़ा इशू बना रखे हो, ना सोने देते हो, ना खाने देते हो, ना टॉयलेट जाने देते हो। बार बार मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है, क्यों पता है? आपकी फोन की वजह से। आप लोग इतना फोन करके मुझे परेशान करते हो, इतना फोन करके परेशान करते हो। क्या मैं गया था आपका घर से पैसा लाने के लिए? आपने आपका गूगल पे का पासवर्ड नहीं डालता तो क्या मैं सीन के लेके आ पाता? दोबारा मुझे फोन करने से पहले हजार बार सोच समझ के फोन कीजिएगा। कीड़े मकोड़े की तरह आप लोग मत कीजिएगा। एक एक का आईडी जाएगा, याद रखिएगा, और इतना याद रखिएगा, मैं मिंटू गोगोई किसी से डरने वाला मैं नहीं हूँ। पाप हमेशा पाप होता है। मैं आप लोग को एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जितना भी न्यूज पोर्टल वगैरह वगैरह जो चिल्लाते रहते हैं ना, ये लोग घूसखोर होते हैं, ये लोग पैसों के लिए चिल्लाते हैं। YBY आता ना, सबको खरीद के रख सकता है।